How to fix hang touch Samsung Galaxy F इसके अंदर अगर आपको जो है अगर हैंग टच की प्रॉब्लम आ गई है तो आप कैसे शॉर्ट आउट करेंगे ये मैं बता देता हूँ। बहुत इजी है, सेम तरह से प्रोसेस करना, यह हैंग टच की प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। अभी मैं टच चला के दिखाता हूँ आपको, ये प्रॉपर हैंग कर रहा है, ये देखें ये बॉक्स सा बना हुआ आ रहा है ये और इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही, खाली ये बॉक्स बन के आ रहा है जिससे कि ये प्रॉब्लम फेस आउट हो रही है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व आउट करना है। तो इसमें क्या है, आपको टू फिंगर का यूज़ करना है जिससे कि आपकी टच वर्क करने लगती है। टू फिंगर आप चलाएंगे तो इस पर आपकी टच वर्किंग में आ जाती है। अभी देखें ये टू फिंगर से टच चल गई इसकी, ये देखें टू फिंगर से टच वर्क कर रही है। तो आपको सेटिंग वाले आइकन को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद इस पर डबल प्रेस करेंगे, ये ऑप्शन आ गया है। ठीक है, इस ऑप्शन पे आने के बाद आपको क्या करना है, नीचे जाएंगे हम, ये देखें ये अच्छा टू फिंगर से काम करेगा, सिंगल फिंगर से, मैं वही बोल रहा था सिंगल फिंगर से काम नहीं करता। तो यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे आपको एक्सेसिबिलिटी वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का ये ऑप्शन है, इसको आपको सिलेक्ट करके इस पर डबल प्रेस कर देंगे तो ये ऑप्शन आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको जो सबसे ऊपर ऑप्शन मिल रहा है रिकमेंडेड फॉर यू, तो इसके नीचे टॉल बैक वाला ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके डबल प्रेस कर देंगे, ये ऑप्शन आ जाएगा जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है आपका ऑन, इसको आपको सिलेक्ट करना है और इस पर डबल प्रेस कर देंगे। नीचे ऑफ का ऑप्शन आएगा, आपको इसको यहाँ से सिलेक्ट करके इसको ऑफ कर देना है और ये हैंग टच की प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो गई। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।